आशा चौधरी नागौर राजस्थान से। आशा की बगिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आप में से भी शायद ही किसी ने इसका नाम सुना हो। ये है बायोचार। ये नया शब्द है आपके लिए। चार शब्द को जान लेते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोमास। बायोमास यानी कि प्लांट का कचरा, टहनी, लकड़ियां आदि। चारकोल, चारकोल यानी कि कोयला। इन दो शब्दों से मिलकर बना है बायोचार। जलाकर भूमि में मिलाने की प्रक्रिया को हजारों सालों से कई किसान करते आए हैं। हवा की गैर मौजूदगी में यानी कि कम ऑक्सीजन में इसे जलाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। चार है, इसे मैंने नारियल के छिलके से तैयार किया था। इसे कैसे तैयार करते हैं इसकी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दे रखी है। इसे आप पेड़ की टहनी और लकड़ी आदि से इसे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। मुझे नारियल का छिलका मुफ्त में मिल गया था, इसलिए मैंने नारियल के छिलके का बायोचार बना लिया। इससे चार फायदे हो गए। एक तो नारियल आसानी से मिल गया, दूसरा इसमें नारियल के गुण भी आ गए। बायोचार में नारियल के गुण भी आ गए, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। तीसरा, बायोचार भी बन गया। चौथा, रामदेव बाबा के मंदिर की सफाई भी हो गई। हो गया ना बढ़िया काम। नारियल से बने बायोचार के टुकड़े करना आसान है। ये नारियल के छिलके हैं जिनको मैंने जला लिया था कम ऑक्सीजन में, तो ये बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है। ये देखिए, ये टूट गया, तो इसको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए तोड़ने में। इसे किसी जोर जोर से, इस तरह से कोई मूसली वगैरह उससे नहीं तोड़ना चाहिए। पत्थर से थोड़ा सा इसको मसलेंगे तो ही ये टूट जाएगा। जोर जोर से इसको इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें से डस्ट निकलती है, बहुत पतली होती है वो डस्ट, और वो डस्ट अगर श्वास नली में चली जाती है तो अच्छे भले इंसान को परेशान कर देती है। इसलिए जिन्हें दमा की परेशानी है या फिर थोड़ी श्वास एलर्जी है तो उन्हें इससे थोड़ा बचना चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं बायोचार को चार्ज करने का तरीका, कैसे इसको चार्ज करना चाहिए। आपको भी कौतूहल हो रहा होगा कि बायोचार गीला क्यों है जबकि यह सूखा होना चाहिए। सही कह रही हूँ ना मैं? चलो आपकी जिज्ञासा को दूर किए देती हूँ। साथियों, यह बायोचार चार्ज हो रहा है, जैसे मोबाइल चार्ज होता है ना, वैसे ही बायोचार चार्ज होता है। इसे चार्ज करने का तरीका थोड़ा भिन्न है। जानते हैं बायोचार को चार्ज करने का तरीका। अगर आप छोटे एरिया के लिए बायोचार तैयार कर रहे हैं तो मेरी तरह यह टब काफ़ी है। अगर बड़े एरिया के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप बड़ा ड्रम ले लीजिए। इसे बायोचार को ड्रम में डाल दें, ऊपर से तैयार जीवामृत डाल दें। अंदाजन 10 किलो बायोचार में 12 किलो जीवामृत लगेगा। जीवामृत से बायोचार डूब जाना चाहिए। उसके बाद ड्रम को पतले कपड़े से ढक दें, बीच बीच में चेक करते रहें। जैसे ही बायोचार सूख जाता है, एक बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, हल्का सा उसमें नमी बनी रहे, और उसके बाद में उसमें जीवामृत वापस डाल दें। और इस तरह से आप कम से कम इसे 3 बार चार्ज करें। आप इसको जितना ज़्यादा चार्ज करेंगे इसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब प्रश्न है कि कितनी मात्रा हम इसकी लें। तो 1 किलो मिट्टी में 300 ग्राम बायोचार लें और 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 2 टन बायोचार लें। साथियों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, बायोचार के लाभ। तो साथियों, जानते हैं बायोचार के लाभ। साथियों, बायोचार के अनगिनत लाभ हैं। यह किसी वरदान से कम नहीं है। एसिडिक भूमि के लिए यह वरदान है। जिस भूमि का पीएच लेवल कम है उसके लिए तो यह अमृत ही है। बायोचार
लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी कि भूमि में कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ा देता है और भूमि की जान बन जाता है। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज किसान बंधु पानी और कार्बन की समस्या से जूझ रहा है। बायोचार में इन सब का स्थायी समाधान है। कृपया इस वीडियो को सभी किसान बंधुओं तक पहुंचाएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी आपकी आईडी हो वहां इसे जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बन जाए। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसे जैसे भूमि में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगेगा, यानी कि हमें अलग से नाइट्रोजन भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में कभी नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोटास और फास्फोरस तो मुफ्त में मिलेगा ही। बायोचार भूमि में 100 साल से भी ज्यादा पड़ा रहता है और प्रयोग होता रहता है। जमीन को भुरभुरी बनाता है और मिट्टी में नमी बनाए रखता है, जिससे पौधे पानी की कमी से स्ट्रेस में नहीं आते हैं। बायोचार में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु अपना घर बना लेते हैं। इससे अति ठंड अति गर्मी से सूक्ष्म जीवों का बचाव भी हो जाता है। साथ ही बायोचार अपने अंदर पोषक तत्वों को पकड़ कर रखता है। साथियों, बायोचार एक बहुत बड़ा वरदान है। और जहां तक मेरा अनुभव है, जो मैंने प्रयोग किया है, तो इसमें मैंने पाया है कम से कम 70% पानी की इसमें बचत हो जाती है। और रेतीली भूमि के लिए, जैसे राजस्थान है, यहाँ पर रेत ही रेत है, उस भूमि के लिए तो ये महावरदान है। साथियों, मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। समय समाप्ति पर है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुव्यवस्थित रहें और मस्त रहें। जय जवान, जय किसान।